हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्दी पालक पनीर की रेसिपी। इस पालक पनीर को मैंने एक स्पेशल तड़का के साथ रेडी किया है जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार मेरे अंदाज में ट्राई करिए, आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने 2 बंडल पालक ले लिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इसके नाजुक वाले पत्ते हैं आपको उसे निकाल लेना है और जो डंठल वाले पार्ट है उसे अलग करके साइड कर देना है। तो ये देखिए, हमने सारे पत्ते को इस तरीके से अलग कर लिया है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। और यहाँ पर मैं सारे पत्ते को धो करके अच्छे से काट लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे पत्ते को अच्छे तरीके से काट भी लिया है, ये बिल्कुल तैयार है हमारा अगला स्टेप के लिए। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में सबसे पहले पानी ऐड कर लूँगी, पानी 1 गिलास जितना है। पानी को अच्छे से गर्म होने दूँगी और उसमें ऐड करूँगी सारे कटे हुए पालक। फ्लेम को हाई रखना है और यहाँ पर ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक, आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, मैं आधा चम्मच जितना ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। ये दोनों से पालक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर एंड टेस्ट आ जाता है, ज़रूर ऐड करिएगा। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए, पालक बहुत ही जल्दी बॉयल भी हो जाता है, आपको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट लगेगा। और इसे थोड़ा देर ढक दीजिए। और ये देखिए, पालक हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से बॉयल हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा हमें, लगभग 1.5 मिनट ही लगा है। और ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बॉयल हो गया है। तो मैंने इसे छान करके अलग रख लिया है, तो इसे इस तरीके से फैला करके रख दीजिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करके बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। तो ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसे मिक्सर जार में ऐड कर लिया है। और ये देखिए, हमारा फाइनल पेस्ट बन करके तैयार है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर पेस्ट रेडी है, साथ ही हम इसके लिए मसाले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच ऐड करना है। 1/2 छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ आपको ऐड कर लेना है। चलिए मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। और साथ ही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करूँगी और साथ ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इतना ही ऐड करना है आपको। और सारी चीज़ को पानी ऐड करके थोड़ा सा अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसाले का भी पेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथ सा रेडी कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मसाले भी रेडी करना है। चलते हैं आप पालक पनीर बनाने और देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर ऐड करूँगी जीरा 1/2 छोटी चम्मच के करीब। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो यहाँ पर ऐड करूँगी दालचीनी, जावित्री, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च। साबुत मसाले डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो ये स्टेप को स्किप नहीं करिएगा। साथ ही 2 लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे 1/2 मिनट छोड़ देना है लो फ्लेम पे। और ये बहुत ही बढ़िया से हो गया है, तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक बारीक कटी हुई और साथ ही यहाँ पर ऐड कर लूँगी 1 चुटकी हींग। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बारीक कटी हुई 1 बड़े साइज़ के प्याज को। अगर आप मीडियम साइज़ ले रहे हैं तो 2 काट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को ऐड कर लिया है और इसे आपको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो बिल्कुल गैस के फ्लेम को हाई पर रखिए और इस तरीके से इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरा 1 मिनट हो चुका है और प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से भून गया है। तो इसी तरीके से मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट हमारा प्याज भुना है। तो बिल्कुल इस तरीके से ही आपको भूनना है। और यहाँ पर जो हमने मसाले ब्लेंड करके रखे थे वो सारा ऐड कर लूँगी और इसे आपको अच्छे से मिक्स करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से पकाना है। तो
क्योंकि जब मसाले अच्छे से पकते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो पालक पनीर की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसे ढक दिया है और थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाले को इस तरीके से भूनने से मसालों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप मसाले को भून रहे हो तो फ्लेम को लो करके इस तरीके से मसालों को बीच बीच में ढक दें। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और मसाला बहुत ही परफेक्ट तरीके से भून चुका है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मसाले को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने पालक का पेस्ट बना लिया था तो मैं इसे ऐड कर दूंगी और बस इसे मसालों के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लेना है। यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने इसे भून लिया है। तो यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी इसमें इस तरीके से बड़े साइज में कटे हुए पनीर। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैंने पनीर भी ऐड कर लिया है और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करिए। इससे पनीर में भी बहुत ही बढ़िया अंदर तक फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इसी स्टेज में पनीर हमेशा ऐड करती हूँ। अगर आप चाहे तो पानी ऐड करने के बाद भी पनीर को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कच्चा पनीर नहीं पसंद है थोड़ा फ्राई भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी और यहाँ पर ऐड करूँगी कसूरी मेथी। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे बढ़िया तरीके से आपको भून लेना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, आपको ज़्यादा हाई पर इसे नहीं भूनना है और बस 2 मिनट तक मैंने इसे परफेक्ट तरीके से भून लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें पानी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं, पर ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है क्योंकि इसकी ग्रेवी जो होती है थोड़ी थीक होनी चाहिए ताकि लगे कि हाँ पालक पनीर है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी और हाई फ्लेम पर इसे ढक करके आपको 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो चलिए 3 मिनट के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा जो पालक है अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बन करके तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, तो ये बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करूँगी, ऐड करूँगी लास्ट में आपको ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। तो मैंने आधा छोटी चम्मच ऐड कर लिया है और यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी सब्जी बन गई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए, आपकी भी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। इसे मैं एक नए अंदाज में बनाने वाली हूँ स्पेशल तड़का के साथ। उस तड़का से पालक पनीर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार जब भी आप पालक पनीर बनाइएगा तो एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए, आप सारे तरीके भूल जाएंगे और आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच घी ऐड कर लूँगी। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें ढेर सारा लहसुन आपको ऐड करना है और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक ऐड कर लीजिएगा। लो फ्लेम पर आपको रखना है और धीरे धीरे लहसुन का कलर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको होने देना है। तो यहाँ पर सारे लहसुन अदरक गोल्डन कलर का हो चुका है तो मैंने इसमें ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तड़का लगाने से पहले मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे सर्व कर लेना है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा पालक पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस और टेस्ट इसका हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारा तड़का बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसे आपको ऐड कर देना है इस तरीके से पालक पनीर में और यहाँ पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ ही हमने एक पनीर को रख लिया था तो इसके ऊपर इस तरीके से आप ग्रेट कर दीजिए और इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पालक पनीर की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस बार आप लहसुनी पालक पनीर ट्राई करिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगा, साथ ही आपके फैमिली को भी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।